ये हम लोग ठेले वाले कहाँ जाएंगे, सब्जी मार्केट तो बन गया, लेकिन बाकी जो ठेले लगा रहे समोसे वाले, चिकन वाले, टपरे वाले, वो कहाँ जाएंगे? जो गरीब हो तो गरीब है ही, और जो अमीर 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 बनता जा रहा है। ठेले लगाने वाले को आदमी भगा देते हैं, इसमें किसी का अधिकार नहीं, ना रेलवे का अधिकार है, ना एमपी का अधिकार है, ना मिलिट्री वालों का अधिकार है, ना नगर निगम का अधिकार है। पर ये फालतू पड़ी है, आदमी नगर में परेशान करती रहती है, आदमी उठा के फेंक देती है। तो क्या नगर पालिका गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आती तो आप लोग को मुख्यमंत्री की बातों को भी उल्लंघन करके परेशान कर रही? अभी आप निकाल के देख लीजिए, इसी साल मुख्यमंत्री हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसको वोट दिए बताओ? जब हमको कुछ का लाभ ही नहीं मिला सरकार का तो किसको वोट देंगे? अब सांसद जी जीतेंगे तो वो दिल्ली में बैठेंगे कि यहाँ बैठेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस टाइम पे मैं जबलपुर के पश्चिमी एरिया में हूँ, जो कि यहाँ दो पार्टियों में तगड़ा मुकाबला चल रहा है। और अगर यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस से तरुण भनोट और बीजेपी से राकेश सिंह है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर दोनों पार्टियों में इलेक्शन का माहौल है तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियों में क्या रहा, अभी तक क्या बदलाव रहा है। तो हम इसके लिए जनता से कुछ बातें करेंगे और जनता हमें इसके बारे में बताएगी कि आज तक यहाँ पार्टी में क्या तक चलता रहा है ना। तो आइए कुछ बातें करते हैं। हाँ, तो आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संजू बर्मन है, यहाँ पर मैं यहाँ पर रोजगार करता हूँ। इससे पहले मेरी दुकान वहाँ थी जो नगर निगम वालों ने तोड़ दी। ऐसा क्यों कि नगर निगम वालों को आपको दुकान हटाना पड़ा? अब क्या उनकी हद में आ रही थी, बाजू में कुछ लफड़ा हो गया था कि तोड़ दी ऐसा। तो लफड़ा तो बाजू में होता, आपकी दुकान पे इससे क्या मुद्दा हुआ? मुद्दा ये हुआ कि आगे रेलवे की जगह थी और कुछ नगर निगम की जगह थी, अब दोनों में आपसी में कुछ लफड़ा हुआ, सर हमारी दुकान टूट गई। तो इसमें क्या लगता है कि आखिर कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है ना? अब सरकार की गलती है कि आगे उनने सब्जी मार्केट बना के दे दी, बाकी लोगों को मार्केट बना के दिया नहीं। ये हम लोग ठेले वाले कहाँ जाएंगे? सब्जी मार्केट तो बन गया, लेकिन बाकी जो ठेले लगा रहे समोसे वाले, चिकन वाले, टपरे वाले, वो कहाँ जाएंगे? ऐसा हुआ तो देखिए, सरकार का मतलब यही है कि कुल मिला के अगर गरीब है या कोई कुछ अपना व्यापार चला रहा तो उसका धंधा चौपट हो जाए, कहने का मतलब ये भी है लोगों से। बट यह है कि सरकार आधा देख रही है, पूरा नहीं देख रही है। आप पूरी तरह से देखे तो उनको लगे अब आधा देखती नहीं है, अब आधा काम पास करा दी, आधा काम हुआ नहीं। आधा काम पास करा दी और आधा काम हुआ नहीं, मतलब इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि आधी सब्जी मंडी बना दी, बाकी लोग कहाँ गए? सब्जी वाले तो बना दी, ठीक है, बाकी टपरे वाले कहाँ गए, चिकन वाले कहाँ गए? तो सब्जी वाले तो हमने देखा कि यहाँ बहुत से लोग हैं, तो सभी लोग तो एक ही सब्जी रखते हैं, ऐसा क्या है कि उनमें अलग अलग सब्जी रखते हैं? सब्जी तो बाकी पान के टपरे कहाँ चले गए, मोची वाला कहाँ चले गया है, अंडे वाला कहाँ गया, पंचर वाला कहाँ गया? उनके लिए तो कुछ मार्केट बनाना है कि नहीं बनाना? अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ में लोगों को जब भला होगा तो रोड के किनारे में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने घर से बैठ के कोई मोची का काम करे कि कोई किसी चीज़ का काम करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार की भी गलती है कि वो लोगों की सुन नहीं रहे हैं। रहता है कि सरकार को सबकी सुननी चाहिए, उनके लिए भी मार्केट बनाना चाहिए, बाकी लोगों को जैसे बनाई है सब्जी वालों के लिए, बाकी उनके लिए भी मार्केट बनाना चाहिए। और बाकी सरकार ठीक है, वोटिंग अपने हिसाब से आदमी को देखे करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं कि केंद्र में मोदी जी बैठे तो मोदी जी को वोट डाला जाए, ऐसे ही जो आदमी काम कर रहा है उसी को वोट डाला जाए, मेरा ये कहना है। तो अभी तक आपने किसको वोट दिया? वोट तो मेरा ये है कि जो काम करेगा उसको हम वोट डालेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा ये कहना ये है। अभी हमने देखा कि पश्चिम विधानसभा में तरुण भनोट जी का है, जो कांग्रेस के हैं, उनका शासनकाल आज 2 पंचवर्षीय से रहा है, तो आखिर उन्होंने आज तक ऐसे क्या क्या कार्य किए कि लोग, जनता उनके प्रति जागरूक है? काम तो बहुत कुछ किया उनने, किसी के घर में कार्यक्रम है तो वहाँ चले गए, किसी का कोई उनके ऑफिस आ गया तो वो काम कर दिया, किसी कहाँ कुछ काम हो रहा है तो वो कर दिया। अरे काम वो करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, बाकी जो जैसे हमारे सांसद जी हैं, अब सांसद का ऑफिस ही नहीं मालूम उनको कहाँ है, हमको ऑफिस नहीं मालूम, जैसे तरुण भैया का ऑफिस हमको मालूम है, कि फट से वहाँ चले गए, अब यहाँ की जनता इनको जिताएगी तो ऑफिस कहाँ जाना ढूंढना पड़ेगा? अब सांसद जी जीतेंगे तो वो दिल्ली में बैठेंगे कि यहाँ बैठेंगे? क्या लगता है कि इसमें विधायक के या सांसद में दोनों की कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हैं, इसीलिए जनता परेशान हो रही है आज के दिन? देखिए, हमारा जो है जो चल रहा है विधायक जी का चल रहा है, विधायक जी का ठीक चल रहा है, हमारा जो चल रहा है केंद्र में मोदी जी का चल रहा है, हम जीतते हैं, हम बोले राज्य में भी मोदी जी आए और केंद्र में भी मोदी जी आए, है ना, चलेगा, दोनों का चल रहा है। लेकिन क्या है, हमारा जो विधायक है वो कांग्रेसी है,
हम चाहते हैं कि यहाँ चुनाव जो लड़ रहा है अच्छे से जीते, अच्छे से काम करे, अच्छे से हमारी सरकार जो हमारी जनता है उनको सुखी रखे। तो अभी तक जो मोदी जी रहे अभी शासनकाल और प्रधानमंत्री भी हैं तो प्रेजेंट में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी मोदी जी को क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? मोदी जी को बहुत चेंजेस करना चाहिए, जैसे गरीबी रेखा घाट है और पेट्रोल के दाम है जो बहुत बढ़ गए हैं उन पर देखना है, जो सब्जियों के दाम प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं थोड़ा उनको देखना है, है ना। जो क्या बोलते हैं अपन जो क्या लेके जाते हैं कौन सा कार्ड है उसको हॉस्पिटल में, आयुष्मान कार्ड गरीबों के पास नहीं, जो कार से उतरते हैं उनके पास है। ऐसा क्यों सरकार ऐसा क्या चाह रही कि अमीर लोगों के पास भी आयुष्मान है और गरीब लोगों के पास नहीं है? सरकार का क्या इससे मतलब है? सरकार से मतलब ही ना, जब उसने देखी नहीं समझी नहीं परखी नहीं जांची नहीं क्यों बना दी उनको। तो सरकार हर गरीबों के पीछे पड़ी रहती है, तो क्या अमीरों के पास जो बना हुआ है आयुष्मान कार्ड तो उसके पीछे क्यों नहीं देखती वो? अब वो ध्यान इतनी दे पाती कि नीचे लोग सब पैसा खा के बैठे हैं इसलिए नहीं देख पाती है। एक आयुष्मान से कम तो 10-10 लोग अभी हाल में ही करा रहे हैं, तो इसमें भी सरकार वही तो गलती सरकार की, तो जांच पड़ताल नहीं करेगी तो कहां से पता चलेगा है? जब तक जांच नीचे लोग पैसा खाएंगे तो कैसे पता चलेगा? हमारा ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड गरीब कार्ड उस प्रकार उस आदमी को मिले जिसका उनको हक है, गरीबों को उनका हक ही नहीं मिल पा रहा तो क्या चलेगा ऐसा है। तो क्या लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं तो गरीबी बढ़ी है कि घटी है? गरीबी तो क्या है उनके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से तो महंगाई बहुत तेज बढ़ चुकी है। पहले जो 400 सिलेंडर मिलता था वो 1000 मिल रहा है, तो सोना 20 हज़ार का था वो 46,000 का हो गया है, है ना। तो प्याज 20 रुपये मिलती रही, आज 30 रुपये 50 रुपये मिल रही है। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा कहना है मोदी जी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, मोदी की सरकार हमेशा चलेगी। लेकिन महंगाई थोड़ा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, गरीबों को देखना पड़ेगा। क्या पिछले जब से कांग्रेस थी पहले भी तो क्या कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस वाले तो कुछ पहले उनकी महंगाई नहीं थी, लेकिन कांग्रेस वाले थे लागू नहीं थे, मोदी जी ने किया। पहले आपने देखो अपने देश पहले चंद्रयान में नहीं गए, अब चंद्रयान में चले गए, खेल कूद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, हमेशा करते रहना चाहिए। मोदी जी हमेशा आएंगे और बनते रहेंगे बनाते रहेंगे, मोदी जी की सरकार हमेशा चलेगी। लेकिन हमारा कहना है कि काम में जागरूक होना पड़ेगा, युवा लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर कांग्रेस में देखा जाए तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस टाइम पे पीपीटी उनके पास खाली 3 वर्ष थी, जो कि उन्होंने इन्वेस्ट करके सिर्फ 15 दिन का पैसा था पूरे इंडिया के पास, और उन्होंने इन्वेस्ट किया। आज ये भी इंडिया जो है तो सेकंड नंबर पे नहीं आई, उनका इतना इकोनॉमी बढ़ा, तो क्या मनमोहन सिंह ने कुछ काम नहीं किया? मनमोहन सिंह जी काम क्या कर रहे हैं, हमारा ये कहना है अभी जो कैसे मोदी जी यहाँ आते हैं या मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, पहले उनके आने में इतना पैसा खर्च किया जाता है यहाँ पर, जैसे रोड नहीं बनी और रातों रात रोड बन जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये रातों रात जो रोड बन जाती है, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जो रातों रात रोड बन जाती है तो इसमें क्या मटेरियल फिर क्या खर्च हुआ? अगर कोई भी आप घर कोई भी अगर आप मकान बना रहे हैं तो 2 दिन में आप खड़ा कर देंगे तो मजबूत बनेगी कि टूटेगी? मजबूत कहाँ बनेगा, तो ऊपर हो गया काम, ऊपर आया लीपे पोते चले गए। तो क्या सिर्फ ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को दिखाने? ये कहना है कि आप आइए अच्छे से काम करिए और देश को अच्छा बनाइए, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हमेशा करते रहिए अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे देश को एक आदमी की ज़रूरत है जो मोदी जी हैं, इस बार जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सरकार एकजुट रहना चाहिए, आदमी जुट रहना चाहिए और देश हमारा स्वच्छ रहना चाहिए। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए मतलब पैसा पास करती है, तो आधे से आधे ये पैसा विधायकों के पास आते आते ही कैसे गायब हो जाता? अब इस बारे में तो आप कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि पैसा तो अपने कभी लोन लिए नहीं, और जनता को जो होता है देख रहे, जो गरीब हो तो गरीब है ही और जो अमीर 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 बनता जा रहा है, ठेले लगाने वालों को आदमी भगा देते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि ठेले वालों को कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, आए दिन परेशान करती रहती है, आए दिन उठा के फेंक देती है। तो क्या नगर पालिका गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं आती तो आप लोग को मुख्यमंत्री की बातों को भी उल्लंघन करके परेशान कर रही? अभी आप निकाल के देख लीजिए, 80 साल मुख्यमंत्री जी ने बोले कि ठेले वाले को कोई परेशान नहीं करेगा, और अभी आप रामपुर चौक में आकर देखिए कि ठेले वालों को नगर निगम वाले कितने परेशान करते हैं। जहाँ तक अगर देखा जाए बातों को तो कुल मिला के अभी भी चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, कुल मिला के समस्याएं व्यापारों पे पड़ा हुआ है, और अगर जहाँ तक और भी सोच के देखा जाए तो कुल मिला के आंतरिक स्थिति बहुत गंभीर है, जहाँ की लोगों की मतलब कि आवाज़ उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं रही है गवर्नमेंट के पास। तो मेरा एक ही अपील है कि अगर आप लोग ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आप इनकी बातों को सुने,
मैं ये नहीं कहता कि अगर आप ठेले का यूज नहीं कर रहे, मगर आप ठेला लगा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे। तो कुल मिला के मेरा यही है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कुछ भी है, अगर वो अपना धंधा कर रहे हैं तो उसे हटाए नहीं, बल्कि उसे अगर शासन की तरफ से कुछ हेल्प लगे तो उसको हेल्प करनी चाहिए। अब इधर आइए, मैं दो जैसे आइए। जगह देखिए, ये पूरी खाली जगह पड़ी है, है ना, ये पूरी खाली जगह पड़ी है। इसमें किसी का अधिकार नहीं, ना रेलवे का अधिकार है, ना एमपी का अधिकार है, ना मिलिट्री वालों का अधिकार है, ना नगर निगम का अधिकार है, पर भी फालतू पड़ी है। तो क्या यहाँ से रेलवे उड़ के जाएगी? मुझे तो यहाँ रेलवे दूर तक नजर नहीं आ रहा, पर भी यहाँ पर आदमी कुछ सरकार कुछ बना के दे नहीं रही है। अगर तरुण भाव जी, विधायक जी, सांसद जी आते हैं तो यहाँ हम लोग को कुछ बना के दें जिससे हम लोग अपना व्यापार कर सकें। देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स के लिए बढ़िया है, लोगों का व्यापार चले। दुकान नहीं बना दें, पाँच छः दुकान हम लोग उसका किराया देंगे, उसको हम लोग किराया देंगे, जैसे सरकार के खाते में किराया जाएगा, ना कि यहाँ कुछ फालतू पड़ा है। आदमी यहाँ आता है, पचा लेगा तो चले जाता है, ऐसे जमीन का क्या फायदा फिर? और इससे पहले यहाँ पर दुकान लगाते थे तो लगा लेंगे मालूम है, वही दुकान तोड़ दी। यहाँ मिलिट्री वाले बोलते हमारा अधिकार है, रेलवे वाले बोलते हमारा अधिकार है, यहाँ बोले सब हमारा अधिकार। लेकिन हमें ये कहना है, अगर इस जगह दुकान बना के आप हमें देंगे तो उसका किराया हम देंगे, उसका सरकार को जाएगा। अगर सब जगह शासन का ही अधिकार है तो आम पब्लिक कहाँ जाएगा? बताइए ना, हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसको वोट दिए बताओ? जब हमको कुछ का लाभ ही नहीं मिला सरकार का तो किसको वोट देंगे हम, ये बताइए। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और आपकी बात पहुंचाई जाएगी, जहां तक हमारे न्यूज़ चैनल फैले हैं तो हम वहां तक पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।